नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मेरा नाम है रोशन भुमियार। साल 2020 अब कुछ ही दिनों में अलविदा कहने वाला है, तो वही वर्ष 2021 बाहें फैलाएं इंतजार कर रहा है। वैसे तो साल 2020 क्रिकेट जगत की काफी निराशाजनक रही, मगर उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष कई टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए, वहीं कईयों को रद्द करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कई दिग्गज खिलाड़ियों ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऐसे में आइए जानते हैं वह पांच खिलाड़ी जिन्होंने साल 2020 में क्रिकेट से संन्यास लिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने अचानक क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा। धोनी ने लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 बजे से बाद में रिटायर समझा जाए। भारत को 2 विश्व कप और 1 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व भारतीय कप्तान ने अपने 16 साल के लंबे करियर में 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली है। धोनी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद सुरेश रैना धोनी के संन्यास लेने कुछ ही बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे रैना ने अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में खेला था। रैना ने टीम इंडिया के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। 19 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले इरफान पठान ने 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के हीरो इरफान पठान ने अपना आखिरी मैच 2012 में खेला था। पठान को कपिल देव के बाद स्विंग और सीम का बादशाह माना जाता था। पठान ने टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 301 विकेट लिए। 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। पार्थिव ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 टी20 अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं। पार्थिव ने अपना आखिरी टेस्ट 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला। वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 17 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। आमिर ने पाकिस्तान के लिए 30 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले।